नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ ममता तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सबका अपने एक खास और स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम किसी स्पेशल मुद्दे पर करते हैं खूब सारी चर्चाएं और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ। आप लोग जानते होंगे कि छठ के अवसर से यानी 14 नवंबर से दो दो फिल्में एक साथ भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और ये फिल्म लगातार आपस में टकरा रही हैं। बिहार झारखंड में इन फिल्मों ने अपना जलवा तो पहले दिन से ही बरकरार कर दिया है, लेकिन 16 तारीख से यानी एक दिन बाद ये फिल्म बनारस और यूपी में भी रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार में कैसा रिस्पॉन्स मिला है खेसारी लाल की फिल्म नागदेव को और निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 को, ये सब आज हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं, जिसमें मेरा साथ देंगी और आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगी मेघा मैम, जो टीवी का चैनल संभालती हैं, लेकिन इनकी नज़रें भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम लेटेस्ट मुद्दों पर ही रहती हैं। हालांकि इनका बिहार और भोजपुरी से ऐसा कोई खास कनेक्शन शुरू से रहा नहीं, लेकिन अगर लेटेस्ट अपडेट की बात है तो फिर ये हमेशा अपडेट रहती हैं हर चीज़ों से, इसलिए हम इन्हें अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आए हैं ताकि ये आपको भी अपडेट कर सके। तो मेघा जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि निरहुआ की फिल्म रिलीज हुई है और सबसे पहला शो निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 का ही आया। जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन क्या नागदेव फिल्म से ज्यादा रिस्पांस इस फिल्म को मिल रहा है या फिर दोनों आपस में ठीक चल रही है फिल्म? देखिए ममता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ये दोनों ही फिल्म का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है जी। दोनों ही फिल्म का की बीट अलग है। स्टार्स की अगर बात की जाए तो दोनों में ही भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटी नजर आ रहे हैं, दो बड़े नाम भोजपुरी सिनेमा के, आप दो नगीने हैं जो अनमोल, वो नजर आ रहे हैं। नागदेव में खेसारी लाल यादव हैं और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो अगर नागदेव की बात की जाए तो इस मूवी का तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, बिल्कुल ग्राफिक बेस्ड फिल्म है और इच्छाधारी नाग नागिन। तो इस फिल्म का और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 ऑन द अदर हैंड रोमांस है उसमें, ड्रामा है उसमें, घर परिवार है उसमें, निरहुआ का एक्शन है उसमें, निरहुआ की हॉट केमिस्ट्री है उसमें और आइटम सॉन्ग्स जो बेसिकली नागदेव जैसी पिक्चर में लेकर आना एक बहुत ही बड़ा टारगेट हो सकता था। तो दोनों ही फिल्म, मैं नहीं मानती कि दोनों ही फिल्मों का आपस पर कोई भारी पड़ सकती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल अलग है, बीट दोनों फिल्मों के बिल्कुल अलग है जी। लेकिन मेघा जी, यहाँ सवाल ये उठता है, जैसे सिनेमा सेंटर की बात हो तो निरहुआ की फिल्म को ज्यादा सिनेमा सेंटर इस बार मिले हैं अकॉर्डिंग टू खेसारी की फिल्म नागदेव। तो अगर मान लीजिए निरहुआ की फिल्म को ज्यादा सिनेमा सेंटर मिले हैं और वो सारे ही सिनेमा सेंटर अगर हाउसफुल चले जाए तो फिर आगे चलकर हो सकता है कि खेसारी की फिल्म पर भारी पड़ जाए फिल्म? देखिए ममता जी, ये तो मैं पहले भी कहना चाहती थी, ये तो दो सेलिब्रिटीज की या दो प्रोडक्शन हाउस की जिन बैनर तले वो फिल्म बन रही है उनकी आपसी समझ पर डिपेंड करता है जी। ये चाहते तो किसी एक फिल्म की रिलीजिंग डेट आगे भी बढ़ा सकते थे जी। आपको जरूरी नहीं है हर बार बॉक्स ऑफिस पर अपना क्लैश करवाना। अब अगर आप बॉलीवुड की तरफ जाए तो अभी शाहरुख खान की एक बहुत अच्छी मच अवेटेड फिल्म है जीरो, वो रिलीज होने वाली है और माफ कीजिएगा, जीरो के साथ ही एक और मूवी रिलीज होने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने आपस में बातचीत की और सॉर्ट आउट करके जीरो को एक सोलो रिलीज दिया कि जीरो के साथ कोई और पिक्चर नहीं रिलीज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ही लॉस होता है। हो सकता है कि अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो फिल्में अगर आप एक साथ रिलीज कर देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी मूवी पर भारी एक पहली मूवी जरूर पड़ेगी और ये आम बात है, ये होना ही है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी है, आपके पास बड़े बजट की मूवी है, मेरा मानना ये है हर बात कंपटीशन में खुद को लेकर आने से अच्छा है कि आप दो दिन बाद की रिलीजिंग डेट ले लो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे कमाई तो दोनों ही फिल्में कर लेंगी। खेसारी की फिल्म की बात करें या फिर हम बात करें निरहुआ की, कमाई तो दोनों फिल्में कर लेंगी, लेकिन अगर आंकड़ों पे जाएं, कमाई पर जाएं, ओवरऑल कलेक्शन पर जाएं, तो कहीं ना कहीं एक फिल्म दूसरी पर भारी जरूर पड़ेगी और इसका लॉस इंडस्ट्री को होगा जी। एक बहुत अच्छी बात लॉस से भी याद आई है कि आम्रपाली दुबे इंडस्ट्री को हमेशा कोई ना कोई फायदा पहुंचा देती हैं, क्योंकि यूट्यूब से उनके अच्छे अच्छे कलेक्शन भी फिल्म मेकर्स और तमाम चैनलों को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूट्यूब पर उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ अगर रिलीज हो जाए तो वो हिट होनी ही है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हिट होती है जी। कुछ दिनों से आम्रपाली प्रमोशनल सॉन्ग के लिए बहुत जाने लगी हैं, और जब से उन्होंने पवन सिंह के साथ राते दिया बुता के गाना किया था तब से उनके हर सॉन्ग को बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। हर नई फिल्म में हिट करवाने के लिए यूएसपी के तौर पर आम्रपाली के प्रमोशनल सॉन्ग रखे जाते हैं, बेशक वो छोटे स्टार की फिल्म हो, लेकिन आम्रपाली का नाम लेकर फिल्म को हिट करवाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन फिलहाल अपनी ही फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में आम्रपाली ने एक प्रमोशनल सॉन्ग किया है
चिकन बिरयानी, लैला की जवानी, ऐसी कोई जवानी का गाना आया है आम्रपाली दुबे का, जिसे बहुत पसंद कर रहे हैं दर्शक। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक्टिंग के तौर पर शुरुआत की आम्रपाली दुबे ने, और अब प्रमोशनल सॉन्ग करने का भी उन्होंने कैसे ध्यान लिया अचानक से? देखिए ममता जी, ये जो आम्रपाली दुबे हैं, ये वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। ये खुद को बांध के नहीं रखना चाहती कि मैं सिर्फ अव्वल दर्जे की फिल्म करूंगी, मैं सिर्फ बड़े सितारों के साथ ही फिल्म करूंगी, मैं सिर्फ मेन फीमेल लीड ही करूंगी। आम्रपाली भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने समय समय पे अपने किरदारों के साथ, अपनी एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। अब उन्हें अगर निरहुआ के, अब अगर हम बात करें आइटम सॉन्ग क्यों कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो कर रही है तो उनकी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आपको बता दें, आम्रपाली का बेली डांस वाला जो वो था वीडियो, यूट्यूब पे इसको इतने अच्छे व्यूज मिले, और बड़े बड़े चैनल्स जो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री की खबरें कवर तक नहीं करते थे, या बड़े बड़ी वेबसाइट्स होंगी, वेब पोर्टल्स होंगे जो भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते होंगे, उन्होंने भी आम्रपाली की उस स्टोरी को कवर किया, जो वाकई भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी बात है। जी। अब आम्रपाली दुबे ने, अब वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रह गई है, अब अगर आपको अपनी फिल्म हिट करानी है, आप आम्रपाली दुबे से एक आइटम सॉन्ग करा लीजिए, आपकी फिल्म का गाना जरूर चलेगा, दर्शक आपकी फिल्म को देखने जरूर आएंगे। जी, तो मैम यहाँ एक सवाल ये भी है कि सीमा सिंह, संभावना सेठ, ठराना गुप्ता, ग्लोरी मोहंता, ऐसे तमाम आइटम डांसर्स का क्या होगा अगर हीरोइन ही डांस करने लग जाएंगे तो? लेकिन ममता जी, आपको नहीं लगता कि ये जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो मल्टी टैलेंटेड होनी चाहिए? जी, एक्ट्रेस कलाकार जी, उनका अभिनेत्री, आपको डांसिंग जैसी क्वालिटी तो आप में होनी चाहिए। आम्रपाली अगर आइटम सॉन्ग कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता वो बहुत बड़ी चीज कर रही हैं, या ये उन्होंने कोई बहुत अलग कर दिया है। आप एक अभिनेत्री हैं, आप करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं, और अगर आप आइटम सॉन्ग कर रही हैं तो ये तो अच्छी बात है ना जी। और मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट की रेस में टैलेंट ही बाजी मारता है जी। अगर आप कॉम्पिटिशन जबरदस्त होने वाला है, अच्छी चीज मिल रही है बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कॉम्पिटिशन की रेस में, जहाँ ये कॉम्पिटिशन के बीच में, दर्शकों के सामने हमेशा एक बेहतर चीज उभर कर आती है। जितना तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा, एक्ट्रेसेस उतनी ज्यादा मेहनत करेंगी, उतना ज्यादा खुद पर काम करेंगी, और जो सबसे बेस्ट है वो दर्शकों के सामने आएगी। तो आम्रपाली दुबे को, उन्होंने खुद पे इतना ज्यादा काम किया है, मुझे आज भी याद है उनके मोटापे को लेकर उनकी इतनी आलोचनाएं होती थी, और जिस तरीके से बेली डांस करते हुए उन्होंने अपनी कमर हिलाई, इट्स नेक्स्ट टू फैबुलस। तो आम्रपाली दुबे जो हैं वो खुद पर काम कर रहे हैं, अपनी डांसिंग मूव्स के साथ काम कर रही हैं, अपनी एक्टिंग के साथ काम कर रही हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, और रिजल्ट आप निकल कर देखिए, आज की डेट में यूएसपी बन चुकी हैं आम्रपाली दुबे। अगर आपको मूवी हिट करानी है तो आम्रपाली दुबे हैं जी। कॉम्पिटिशन से याद आया कि काजल राघवानी भी अब सिंगिंग के क्षेत्र में उतर चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने उनके खूबसूरत खूबसूरत अवतार, उनकी नाजुक कलाइयाँ और डांस, सिर्फ खेसारे के साथ जोड़ी के रूप में उनकी किसी लव स्टोरी वाली फिल्म में देखा होगा, लेकिन अब बतौर गायिका और बतौर स्टेज जो संभालते हैं वो भी अकेले कर रहे हैं। पहले खेसारी लाल के साथ वो जाया करते थे स्टेज शो करने के लिए, लेकिन आजकल अकेले जाने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। लेकिन मैं यहाँ मेघा जी से ये भी जानना चाहूंगी, क्या अब हीरोइनों का इस क्षेत्र में आके गायकी करना ठीक रहेगा? क्योंकि देखिए, इससे मैसेज औरों को ये जाता है कि अब कोई भी आसानी से सिंगिंग कर सकता है, जबकि सिंगिंग एक सीखना कला है जिसको सीखना पड़ता है बहुत मुश्किल से, और तब जाके हमें लता मंगेशकर जी, शारदा सिन्हा जी जैसे गायक गायिकाएं मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, काजल राघवानी का यहाँ सिंगिंग करना ठीक है? ममता जी देखिए, उनका सिंगिंग करना बिल्कुल ठीक है, बच सकते तब ठीक है जब वो अच्छे से गाए। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कला को आप रोक नहीं सकते जी। मैं अपनी बात फिर से दोहराना चाहूंगी, आप अगर मुझे गाना गाना है, अगर आम्रपाली दुबे को गाना है, अक्षरा सिंह को गाना है, काजल राघवानी को गाना है, तो आप इन्हें रोक नहीं सकते। और इन्हें रोकने का मतलब भी नहीं बनता, वो अपनी, अगर उनमें काबिलियत है, उनमें टैलेंट है, तो वो गा रही हैं, अच्छा गाएंगी तो लोग उन्हें अपना प्यार देंगे, उनके बाकी गानों को सुनेंगे, अच्छे व्यूज मिलेंगे। बस चलते कला के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्यों भोजपुरी की एक्ट्रेसेस को अलग तरीके से देखते हैं? आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आलिया भट्ट कमाल की एक्ट्रेस है, और आलिया भट्ट कमाल की सिंगर भी है जी। आलिया भट्ट कपूर बहुत प्यारा, श्रद्धा कपूर जी, ये सब एक्टिंग तो करती हैं, और इनकी मूवीज में इनके द्वारा गाए हुए गाने भी होते हैं। अगर मूवीज में नहीं होते तो ये अलग से उनका अनप्लग्ड टाइप सिंगल सॉन्ग भी रिलीज करते हैं, जिन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर काजल राघवानी भी ऐसा कुछ कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रही हैं। और
अब काजल राघवानी का जिक्र हुआ तो मैं फिल्म नागदेव का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि निरहुआ हिंदुस्तानी थ्री पर तो बहुत सारी बात हो गई। नागदेव फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप में एक अनोखी फिल्म निकलकर सामने आएगी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ऐसा नहीं है कि इससे पहले नाग नागिन के कॉन्सेप्ट पर फिल्में नहीं बनी, बनी है जी। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह के ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने अपनी एक्टिंग के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, पहली बार पर्दे पर नाग बनकर आ गए हैं जी। अब तक आपने उन्हें एक्शन करते हुए देखा है, खेसारी को रोमांस करते हुए देखा है, लेकिन अब वो जो नाग वाला उनका अवतार आप लोग देखने वाले हैं, बता दें आपको आपकी 5 सेकंड के लिए तो नजरें खेसारी लाल यादव पे से हटेंगी ही नहीं। वजह जो अग्रेशन चाहिए वो इस फिल्म में खेसारी के चेहरे पर उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। ममता जी एक बात आपको बता दूं, ये नाग नागिन का ये जो कॉन्सेप्ट है सुपर नेचुरल, इस कॉन्सेप्ट को बीते काफी टाइम में लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगा है। एक टाइम था ऐसी फिल्में बनती थी और फ्लॉप हो जाती थी, भोजपुरी इंडस्ट्री में भले ही चलती हूँ लेकिन अगर हम बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें तो बॉलीवुड में बनी थी जाने दुश्मन अरमान कोहली के साथ और मल्टी स्टारर फिल्म थी वो, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। इच्छाधारी नाग नागिन के कॉन्सेप्ट पर ही थी और ये फ्लॉप हो गई थी, लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो ये मूवी की है एक तरह से उन्होंने रिस्क ही लिया है जी। जरूरी नहीं है कि खेसारी आ रहे हैं फिल्म में तो मूवी हिट हो जाए, लेकिन खेसारी ने अपनी एक्टिंग से अपने किरदार में जो जान डाली है तो मुझे लगता है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और खेसारी लाल यादव की फिल्म नागदेव को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों ही फिल्म अपने आप में बिल्कुल बेस्ट हैं, दोनों ही किरदारों ने, दोनों ही एक्टर्स ने कमाल का काम किया है, दोनों ही डायरेक्टर्स ने जहां पे अच्छे डायरेक्शन की जरूरत है वहां अच्छा डायरेक्शन दिया है नागदेव में, जहां पर अच्छे ग्राफिक्स की इस्तेमाल करने की जरूरत है डायरेक्टर ने वहां पे किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सूझबूझ से बनाई हुई है दोनों फिल्में और एक साथ रिलीज हुई हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो कलेक्शन में जो होना लाजमी है, लेकिन एक फायदा यहाँ पर यह हो सकता है कि दोनों ही फिल्मों की बीट बिल्कुल अलग है, दोनों का टेस्ट बिल्कुल हटके है, तो अब देखना होगा कि कलेक्शन की रेस में कौन सी फिल्म आगे बाजी मारती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना दोस्तों आपने, दोनों फिल्में रिलीज हुई हैं, दोनों ही फिल्मों को दर्शक पसंद करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कलेक्शन के मामले में आपस में नोकझोंक फिल्म की जरूर हो सकती है, लेकिन आपको कौन सी फिल्म पसंद आई है और कौन सी फिल्म नहीं अच्छी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है दोनों फिल्म तो अभी जाइए और सिनेमाघर में फिल्म को देखिए। बुक माई शो पे भी निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की टिकट्स बुक हो रही है, बहुत बड़ी बात है भोजपुरी फिल्म के लिए। ये उपलब्धि ही है कि अब बुक माई शो ऑनलाइन भी टिकटें बुक होती हैं, आप लोग PVR में भी जाके अब भोजपुरी फिल्में आसानी से देख सकते हैं। PVR सिनेमाघरों की जानकारी हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट में देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।